नमस्ते, मेरा नाम है हिरणजीत चड्ढा, खोद दूंगा गड्ढा, क्योंकि चींटी के घास खाने से टाइगर लकड़पके के साथ शादी नहीं रह चाहता, समझ रहे हो ना। मुझे पता है आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, उम्मीद की किरण में होंगे, जो कर रहे होंगे सही कर रहे होंगे। आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि मैं इतने सुबह, जब सूरज भी नहीं निकला, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहा हूँ। भाई, एक ऐसी जगह है जहाँ मुझे जाना था, एक्चुअली बहुत पहले जाना चाहिए था, सालों पहले जाना चाहिए था, लेकिन स्थिति कुछ ऐसी हो गई कि नसीब नहीं हो पाया। लेकिन आप कुछ यूँ समझ सकते हो कि मैं उस मंजिल तक जा रहा हूँ जिसका सपना मैंने कई सालों से, यहाँ तक कि सदियों से देखा है। हाँ, मतलब कदम थोड़े तेज़ होते जा रहे हैं क्योंकि मेरे मन में उत्साह, घबराहट और क्या बोलते हैं, मज़ा, आनंद, इस तरह की वो सारी भावना एक साथ मिलके जो प्रकट प्रकट कर रही है ना, उसको शब्दों में क्या ही बयां करूँ। तो जाओ यार, शुरू करते बिना किसी हिरण के। ये हमारे टाउन का वो सड़क है जहाँ पे मुझे चलना बहुत अच्छा लगता है, पेड़ों ने घेर लिया। यार, आसमान का रंग देखो कितना सुंदर है सुबह के सूरज निकलने से पहले। नॉर्मली मैं इतनी हड़बड़ी में बात नहीं करता, लेकिन हालत ही कुछ ऐसी है कि हड़बड़ी में बात मेरी निकल रही है ज़ुबान से। हाँ, सामने ये बस स्टॉप, वहाँ तक चल के जा रहा हूँ, वहाँ से एक और जगह जाने की ज़रूरत है मुझे। अब हमारी बस आगमन कर चुकी है हमारे अड्डे पे, लो देखते हैं। बस इस सफ़र के राह पर अल्लाह पाक रहम फरमाए। बस ये सालों बाद का सफ़र है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अपनी मंजिल पर अभी पहुंच गया हूं, और भाई क्या लाइन है यार, शनिवार का दिन है, लिटरली मेरे को भूख गनी लगी, क्योंकि कल ना मैंने 12 बजे तक वो सूजू और बियर मिला के पिया। तो मतलब चलो फटाफट वो कुछ नाश्ता कर लेते हैं, सुबह सुबह स्पाइसी कोरियन खाना खाते हैं और फिर उसके बाद इस लाइन में लगते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरी हमेशा से ये परंपरा रही है कि मैं विदेश जाने से पहले कोरियन खाना लास्ट में ज़रूर खाता हूँ। मेरे को ना लाइन में फर्स्ट आना पसंद है, तो अभी मैं फर्स्ट लाइन में ऐसे गलियारे से घुस रहा हूँ, देख सकते हो मेरे आगे कोई नहीं है। अभी मैं वियतनाम के एयरपोर्ट में पहुँच गया हूँ। एयरपोर्ट पे जब भी आता हूँ ना, हमेशा एक नई अनुभूति मेरे दिल में जाग उठती है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वियतनाम मेरा लास्ट गंतव्य है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। यहाँ से मेरे को एक और जगह जाना है जिसके लिए मुझे 5 घंटे का वेट करना पड़ेगा। चलो, अभी मेरे को घड़ी भूख लगी है, एयरपोर्ट ने मतलब एयरप्लेन में खाना नहीं दिया क्योंकि मैंने बहुत सस्ते में बुक कराया था। पहले कुछ खाते हैं फिर वेट करते हैं। हाँ, अब मेरे गंतव्य का नाम आ गया स्क्रीन पे, लोगों की लाइन लगनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक गेट खुला नहीं है। इंडिया तो वैसे ही है जैसे पहले था। अभी मैं 5 साल बाद वापस आ रहा हूँ, अभी 5 साल बाद हिंदुस्तान की सरजमीं पे। अच्छा, साल के मुताबिक। अच्छा, मतलब इंडिया की माहौल वैसे ही है जैसे पहले था। अपने होटल के लिए जा रहे हैं टैक्सी से, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मेरे को लगा कि वो दोनों लड़कियां असली है, अभी बाद में पता चला कि छवि है। अब गाड़ी दिल्ली की सड़कों पे दौड़ रही है, धौला कुआं, जनकपुरी, परेड रोड, ये नाम देखे हुए साला कितने साल हो गए, मेरे को याद नहीं है। अभी रात को 12:30 के आसपास हो गए और गाड़ी आगे निकलती जा रही है, ठीक वैसे ही जैसे 2016 में पहली बार गाजियाबाद गया था। टैक्सी से उतर गया, लिटरली नमस्ते, सालों बाद आना हुआ। चलो होटल चलते हैं, फिर आराम करते हैं। मतलब मैं देख रहा हूँ कि पहाड़गंज जैसा था वैसा ही है। मतलब ये सड़क पे कुत्ते, रात को चमकती रोशनी, बहुत सारे होटल, कुछ भी नहीं बदला लिटरली। जब कल सुबह होगी तो सड़क पे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। मुझे यहाँ का चप्पा चप्पा याद है, चप्पा चप्पा लिटरली, बिना नक्शे के कहीं पर भी जा सकता हूँ। फाइनली होटल पहुंच गया हूँ, सबसे सस्ता वाला होटल एक ले लिया, क्योंकि मेरे को सुबह तक बस सोना है यहाँ पे, फिर मेरे को फटाफट अपने दूसरे होटल हाउस खास के लिए निकलना है। लिटरली 6 साल बाद की वापसी है, 6 साल बाद। ऑफिस से मैंने बड़ी मुश्किल से एक दिन की छुट्टी ले ली, क्योंकि ना अगले हफ्ते एक दिन हमारी सरकारी छुट्टी है और मेरी एक छुट्टी बची हुई थी, तो दोनों का बीच में ना एक दिन बिठा के मैंने दिल्ली का प्लान बनाया। और अब देखो दिल्ली आ भी गया, लिटरली क्या से क्या हो गया भाई, वो पलक झपकते ही
धरती बदल गई, देश बदल गया, मौसम बदल गया, लोग बदल गए, भाषा बदल गई, सब कुछ इतने साल बाद हिंदी में बोल के, लेकिन मुझे लिटरली अच्छा लग रहा है। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो में अच्छा लगा होगा मेरा जर्नी। मैं वापस आऊँगा मजेदार वीडियो के साथ, तब तक सावधान रहो, सुरक्षित रहो, सीखे को सबक सबको, जय हिंदुस्तान, जय साउथ कोरिया।